हालेलुया। और भाई जग रहे हैं, सो रहे क्या? जो सोए हुए वो बोलेंगे जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जो सोए हुए बोलेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। जो जगे हुए बोलेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। ऐसे बोलेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। हाथ उठा के इधर देखो करो भाई, मैं इधर, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड, प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु मुझे आपका बल चाहिए, प्रभु मुझे आपका बल चाहिए और सुनने वाले कान चाहिए ताकि मैं आपका वचन सुनूं, ताकि मैं आपका वचन सुनूं, क्योंकि मैं आपके वचन से चंगा हो रहा हूँ, चंगा हो भी चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, फिर आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग दुखी आज, परमेश्वर की संगति में अपने दुख को उसके चरणों में डाले, क्योंकि वो हमें हमारे शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का कलाम, उसका पवित्र वाणी और जो चंगा करने वाला वचन है, याकूब की पत्री उसका 20 अध्याय निकालते हैं। और प्रभु आज अपने इस पवित्र वचन से आपके जीवन से श्राप तोड़ दे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। याकूब की पत्री 20 अध्याय 20 याकूब में तो 20 है नहीं, और याकूब कह रहा सॉरी आयुब सॉरी प्रभु मुझे माफ करे, आयुब सुबह रोटी मांगी थी यीशु मसीह से, प्यासे इस बंधन में बंधे हुए हो, आज इस पवित्र रोटी के द्वारा आप छूट जाओ। पर भाई आप भी करो ना, कौन सी आए अभी बताते आए, आप वैसे लगा लो 20 अध्याय बस। पेज नंबर बता देता, कितना नंबर बता रहे हैं? आयु 20 अध्याय अभी पेज निकाल लो आप, बंदा निकल गया भाई, 20 इन मामलों में दे दे। उनके हेल्प कर दो, 20 का कौन सा बाबूजी की हेल्प कर दो, उधर दो पहले 20 का जो सर निकाल के दो, प्रदीप भाई हेल्प कर दो, कर दी निकाल लिया, निकाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन भाई ने पढ़ा, प्रभु भाई की जुबान दिल आत्मा को इस वचन के द्वारा साफ करे, आमीन। आप पढ़ो जी, हाँ जी आप भी पढ़ना है,
ये पूरा सिस्टम ना आपके लिए, देखो जो तुम चपड़ चपड़ करते हो ना, अभी आ रहा है। कपूर ने कहा हाँ, क्या चाहता है, तुम्हारा यही करता है ना जी, क्या कूदते फटाफट, ये ऐसे नहीं वैसे, उत्तर दूं। हाँ नहीं, अभी आओ, अभी आओ, मुद्दे पे आओ, आगे जी चाहता है ना, सिर्फ तुम दोनों की जुबान भी चाहती है जी के साथ साथ, बोलने में पूर्ति करता हूँ। हाँ जी, बोलने में धीमे हो ना, मैंने ऐसी कहानी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार मुझे उत्तर देती है। पूरे परिवार में तुम्हें कोई भला नहीं बोलता, उठा लेना अपने अपने इतिहास, पूरे परिवार में तुम लोगों कोई भला नहीं बोलता, इतिहास उठा लेना और आज तक, क्योंकि तुम बोलने में बिल्कुल चुपचाप हो, 15-20 साल लगते तुम उत्तर देने में, है ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी यही 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 चीजें तुम्हारे अंदर स्पीड है, जहाँ चल रहा वहाँ नहीं, और अभी बोल लो, अभी बहुत कुछ प्रभु तोड़ना चाहता तुम्हें, आज अगर तुम टूटना चाहते हो, बदलना चाहते हो, पुरानी मस्कों को फाड़ना चाहते हो या वैसी, हाँ जी यार उधर बाद में पढ़ लेना उसको, वैसे एक मिनट दो मिनट के लिए रखी लो, तुम सही है, वैसे तुम बढ़िया कर रहे हो, उंगली लगा लो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपको भी कह रहा हूँ, क्या कह रहा है परमेश्वर, बोलने में धीमे हो तुम लोग, कुर्ती से उत्तर देते हो, वचन पढ़ना है दूसरा, ये साथ में पहुंचेंगे डायरेक्ट, पढ़ लूंगा आगे की बात, फिर रवि को मैं बोलूं, ये भी लिखा वो भी लिखा है, प्रदीप के साथ कर लूंगा, चीजें सीख लो, परमेश्वर ने पता है छोटी बातें भी शराब ले आती है हमारे जीवन में, अगर आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, छोटी छोटी लोमड़िया दांत की बारी को अच्छा कर देती है ना, ये खराब कर देती है, छोटी लोमड़िया क्या है, नहीं लोमड़ी, हम तो लोमड़िया और वो भेड़ है, गलतियाँ छोटी छोटी ये जो कर जाते हैं, चीन नुक्ति जो बोलना नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ क्या करती हैं, हमारे घर परिवार हमारे जीवन को नाश कर जाती हैं। हालेलुया, नोट करना, ज्यादा एक्सक्यूज, ज्यादा बोलना भी, पतरस साफ क्या कहते हैं, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो क्या करो, अच्छा मुंह को बंद कर लो, और आप क्या कहते हो, जीभ को लगाम लगा लो, बंद कर लो इसको, क्योंकि यहां से जो निकलता है ना टोटली बुरा ही निकलता है, और ये बुरे का नतीजा है, बच्चा चाहिए उसको ममता को, पैर भी तुम कर रहे हो, चंगा होना उसको, पैर भी ये कर रही है, दवाई दिलाने जाओगे ना, ऑपरेशन कराने अपना करवा लेना उसका ध्यान रखे, जिस चीज काम कर रहे हो, अरे जिसको जो जरूरत है उसे करने दो, उसके लिए प्रार्थना करो, पीछे से जैक लगाओ, ना कि बोलने में फुर्ती करो, यहाँ लिखा ना, मैं जरा आप पढ़ दो, आपकी हिंदी बढ़िया है, पढ़ना ना, एक से तीन से आयो 20। ने कहा मेरा जी चाहता है कि मैं उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं, मैंने ऐसी चुनौती सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार मुझे उत्तर देती है। हाँ जी, दुखी दुखी तो मिलता तुम्हें बोलने से, मम्मी बहुत बोलती है, मासी बहुत, ये बहुत जी आज साइलेंट सिस्टम में पहुंच चुके, अब यही जम का जमूरा है, बाकी ये भाई कूड़ा बना, मगर प्रभु का कलाम क्या कह रहा है, शांत रहो, संयम रखो, मैं तुम्हारे दुख के ऊपर क्या करूंगा, दृष्टि करूंगा, उसकी दृष्टि को मांग नहीं रहे, उसके तरस को मांग नहीं रहे, इधर जा उधर जा, प्रार्थना कर, सुबह उठ के नींबू ले, मिर्च ले, ये सबके में लगे, पहला पत्रस 5:7 साफ कहता है कि अपनी सारी चिंता गौरव पे डाल दे, अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दे, उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है, चिंता है, ध्यान है, मनन है, प्रेम है, आज चिंताएं पता कहां पे है,
यहाँ पे है या यहाँ पे है, या कोई दिख गया जिनने जिनने चिंता पैदा करी है उसके ऊपर चिपक जाती है चिंता। पहले इसको लूंगा यार, आप चुपचाप परमेश्वर के पास, देखो मैंने प्रभु से आशीष पाई, ये मैं बहुत बोलता हूँ, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे से भी डिग्री पर लेके बैठा हूँ, बोलूँ उन्होंने प्रभु ने सिखाया शांत रहे। मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बात है, बोलना ही पड़ता भाई। हाँ वो बोल बोल के हो तो गए यहाँ तक, आज ये चीज सीखो भी तो सही कि कहाँ बोलना है। जब प्रभु कहता है चुप हो जा तो चुप हो जा, अब जहाँ बोलने का आता है तो बोल नहीं पाते। निर्गम पढ़ाया आपने, मूसा साहब के साथ क्या हुआ था, वो बंदों को मिस्र से निकाल के ले आया, वो भूल उड़ा दिया भाई, वही मर जाते तुम क्या समुद्र में मारेगा। लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, ये खाते थे। नहीं वो तो खाते थे उन्हें, वो मौत तो दिख रही थी, सही बोल रहे थे वो। अभी समुद्र में मारेगा, आगे जाएंगे समुद्र, पीछे फिरौन की सेना और भाले तसले सही लेके घुसे हुए थे वो हाथी घोड़े पे, है ना। वो करे इधर भी मरे उधर भी मरे, मगर वहां आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, वहां एक काम बड़ा अच्छा था जो बुड़ा रहे थे। उस दिन उन्होंने मूसा की सुनी, जब मूसा ने कहा डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो, खड़े खड़े आज परमेश्वर को उद्धार के काम करो, जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। आज ये रवि प्रदीप नहीं करेगा, ये करेगा यहोवा, जो वचन है जीए वाला, ये वाला यहोवा करेगा, ये वाला यीशु मसीह करेगा, ये वाला पवित्र आत्मा करेगा। आगे तो चलो, इतना आदमी को कैसे निकाल रहा है ये जवाब जो यही तो है बोलने में मैं जीत जाता है। तुम नहीं बैठ सकते चुपचाप, अभी तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारी आवाज बंद जाएगी, अभी आया था ना इनका नंबर। ये देखो सुनो, ये वो शराब जो बहुत चीजों की आशीष रोक लेता है। यही चीज मैं जब प्रभु को नहीं जानता था ना, मैंने भी करी थी। मैं एक मिनट को मैं थोड़ी गवाही बता दूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हाँ जी इधर देखो, इधर आंखों मिलाओ दोनों बहनें, ठीक है। मेरी वाइफ और मेरी भाभी बैठी थी, मेरी मम्मी मेरी भाभी से बात कर रही थी और मैं ही बैठा था, और मेरी मम्मी नजायज बात कर रही थी मेरी भाभी से, तो मेरी भाभी ने तो जवाब दिया नहीं, मेरी वाइफ ने जवाब दे दिया, और मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था। मैंने पकड़ के अपनी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, कगड़ी है, तोड़िए कभी अपने हाथ से, अरे बोलो ना, आवाज नहीं निकलती यीशु मसीह के लिए, ऐसे निकल जाएगी, कगड़ी तोड़िए कभी अपने हाथ से। ऐसे करके मैंने हाथ तोड़ दिया अपनी वाइफ, फिर क्या ये होना चाहिए? मेरे अंदर एक चीज आई थी, जवाब मेरी माँ उससे बात कर रही, तूने क्यों दिया, और तूने दिया भी तो गलत जवाब दिया, यानी प्यार भी करना नुकसान है, जैसे मैं बाप के चपेल हो रहा हूँ। अरे उनसे बात तो ये करने दो ना, तुम्हारे से पहले दुनिया में आई हुई है, और मैं कह रहा हूँ बाद में भी आई है, तो क्या दिक्कत है? हाँ यूँ बोलो, किस का ने दबा रखा है? ये आवाज तेज नहीं निकालती, मेरी आवाज भी तो निकल रही है, निकल रही ना ज्यादा तेज, ऐसे ऐसे घर में बोलती हूँ, उसके प्रभु के अलावा क्यों कहा तुम उनके कामों के दौरान पहचान लोगे, मनो को जांचने वाला एक ही है परमेश्वर। इंसान को दिया थोड़े सबको दिए है, अगर इंसान अपना कुछ करना नहीं चाहता, सबको पता है, अरे मोदी साहब भी आए थे, अच्छे दिन आएंगे ठीक है जी, चुप रहने में। और सुभाष चंद्र बोस भी पता क्या कह रहे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चुप में भी शैतान होता है, हाँ वो तो है, अन्याय को सहना भी गलत है। नहीं वो दुनिया में डायलॉग है वाले ने, अन्याय नहीं, जब प्रभु का जब तुम प्रभु के नाम से अन्याय सहोगे ना, तो उसका आत्मा बुलवाएगा भी, गूंगा बहरा नहीं उसका आत्मा, दुष्ट आत्मा होती है गूंगी और बहरी,
ये तुम कौन कौन सी शिक्षा ले आते हो, तुम गुजर देते हो कि अन्याय सहना। अरे खुदा का कलाम जब तुम उसके लिए सहोगे, किसके लिए? कुलूसियों का वचन पढ़ लेना, वचन से या काम से, जो भी कुछ करो यीशु मसीह के नाम से। अगर यीशु मसीह के नाम से सह रहे और कर रहे हो ना, तो उसका आत्मा भी काम करेगा आपके अंदर। अब तुम लगे दुष्ट की बातों को अपने मनन करते हुए उसको सह रहे हो, तो वो तो भैया मुंह क्या पता नहीं क्या क्या बांध देगा तुम्हारा, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। जैसे वो बंदा बढ़ा दे तू, एक से लेकर तीन तक बढ़ा करके चलो, वो हम जान रहे थे, वो थोड़े शब्द पकड़ लिए, हमने कहा भाई ठीक है प्रभु के वचन के पढ़े सुने हमें आपसे। ये होता कार्य, स्फूर्ति किन चीजों में करनी है प्रभु ये बताता है। तेरे पास शक्ति हो मदद करने के लिए तो तू से मत कहना कलाना। एक मिनट जी सुन लो पूरी बात, स्फूर्ति किस चीज में करनी है? आप लोगों ने जवाब तो दे दिया फटाफट। मेरे साथ तो बहुत जोर से बोलता है। हाँ बोल, दुष्ट दुष्ट की सुनता है। नहीं उसके अंदर जो है और जो आपसे निकलवाना चाहता है वो प्रभु जाने कौन है दुष्ट, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे से नहीं लड़ेगा, किससे लड़ेगा? पड़ोसी लड़के दिखाए, पूनम खान करके भेजेगा बढ़िया वाला, ठीक है ना। परमेश्वर का वचन गूंगा बहरा नहीं है, वो पलटा लेता है, मगर धीरज से संयम से वो सारी बातों को दिखाता है, समय से, ठीक है ना। समय परमेश्वर का बनाया हुआ है, समय ने परमेश्वर को नहीं बनाया, ठीक है। और चौथा पढ़ो प्रति भाई, तेज पढ़ना। सुनो जी आप टाइम भी हो रहा है, धन्यवाद। ये नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया। हाँ जी, कहाँ कौन बसाया गया? मनुष्य। हाँ भाई, गौरव भाई, हाँ प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य क्या गया? पृथ्वी बसाया गया, पृथ्वी पे। आप पृथ्वी पे पैदा हुए तो परसों में यहाँ रह के ना उसके लिए बड़े धन्यवाद करो, क्योंकि वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया तुम्हारे और मेरे लिए। या हम पहुंच गए थे यीशु मसीह का चेला बनने के लिए ऊपर, है वो आया ना स्वर्ग छोड़कर। आज लोग अपना घर बार नहीं छोड़ सकते, एक ही छोड़ के गए थे अब्राहम साहब, एक घर छोड़ा था पूरा वर्ल्ड दे दिया यीशु मसीह ने। सब सलूट मारते हैं आज भी अब आराम साहब, जिसमें कि कब्र में पहुंचे हुए हैं वो आराम रेस्ट कर रहे हैं। उनके वंशज को देखो कि मजे ले रहे हैं, यहाँ एक वंशज नहीं संभाला यार, आगे पीढ़ी का पता नहीं है। ये थोड़ी करंट वाली बातें हैं, ये थोड़ा जितनी बुझ जाएंगे ना बढ़िया वाली, फिर फिल्टर होकर निकलेंगी। जैसे वो पानी जा रहा सादा पानी आरओ में, पीने लायक बन जाता है ना। तारीख 15 तारीख को परमेश्वर की महिमा को देखो। ये वाला आमीन, यही आमीन जो लिखा है ना फटाक से, वो उन्हीं बातों में भी आमीन निकाला करो, क्योंकि मतलब की बातें है ना तो आमीन, अपने मतलब की बातें है तो आमीन। दूसरी परमेश्वर के वचन के साथ पक्षपात मत करो, सारी बातों को धन्यवाद के साथ रिसीव करो। जो पिता होता है ना वो अपने बच्चों को ताड़ना इसीलिए देता है, अगर लड़ पेलता है तो कुछ काटता भी है, हाथ लगा है ना। अभी ये बाबूजी रूठे पड़े थे आपसे, रूठ गए थे है ना, रूठू रूठू वो गाना है, दादी अम्मा मान जाओ। अब ये मनाने से तो रहे दादी अम्मा खुद लगी पड़ी थी, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। नहीं ये मनुष्य की चीजें हैं, मगर ध्यान रखना तुम अपने प्रभु के साथ अगर सही चलोगे ना, उसका वचन कहता है वो तुम्हारे शत्रुओं से भी मेल करा देगा। तो ये तो रूठे हुए हैं, ये तो बहुत नजदीक में, क्या करवा देगा शत्रुओं से। हाँ और ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये सच्ची बात है, ये हकीकत है, ये सच्ची बात है। ये मैंने परखा है, ये परखा है कि एक ने जो दुश्मन था मार देते हैं, वो एक दिन आके समय का अनुसार फेल होता। मैं अपनी गवाही क्या दे रहा था कि मैंने बहुत चीजें सही, वहां मेरे प्रभु का वचन याद आया, ये जो मैं भी बता रहा था कि डरो नहीं चुपचाप खड़े रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करेगा। और उसका वचन कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर चुप रहेगा, और जब हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर
बोलेगा और मैं चुप रहा, परमेश्वर मेरे लिए बोलता है, आज भी बोलता है, बहुत जगह बोला परमेश्वर ने। मैं महसूस करता ना अपने जीवन के अंदर, अभी उन्होंने क्या दुष्ट आत्मा दिखती है, विश्वास दिखता है नहीं दिखता ना, महसूस होता है, महसूस होता है, ठीक है ना। खुदा की ये भी महसूस होती है, बोली ना कोई बोली है ना कुछ है, फिर भी छटा पड़ो सुन लो। और चाहे एक ऐसे मनुष्य का महत्व आकाश तक पहुंच जाए और उसके सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वे अपनी विष्टा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। विष्टा क्या है अजय भट्टी? मल मल मल, हाँ वही मैंने जो हिंदी में बोले विष्टा भी, इंसान का मन जो आपने पहले बोला था टट्टी, इसी को कैसे ना चाचा का लगा विष्टा, वो मिट्टी मिट्टी बन जाती। हाँ आगे 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 खाद भी बनती है, इसी की सब्जी खाती। रात में कैसे, रात में देखे हुए रूप के समान वो अपने वो रहने ना पाएगा, रात में देखे हुए रूप के आगे और उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे। किसके किससे विनती करेंगे? कंगालों से। प्रभु का तो नाम ही यहाँ पे साइड है, किससे विनती करेंगे? करता है कोई? ये परमेश्वर के विरोध के जो लोग होते हैं ना, ये उनके लिए बातें, कंगालों से क्या करेगा वो? विनती करता है कंगालों से विनती, कंगाल तो फिर वो खुद विनती और मोहताज, खाने के मोहताज, पहनने के मोहताज, समझ रहे हो? लाचार। आगे कंगालों से भी विनती करेंगे और वो अपने ही हाथों से अपना माल लुटा देगा। याद करो अपनी बेटी में किसको लूटा घसीटा है, ये मुझे बात बताइए परमेश्वर ने। धन के विषय में ज्यादा बताया आपके लिए, अब इसने लूटा आपने, आपके आदमी ने, आगे सुनो। यहाँ पढ़ो, 11 पढ़ो आगे, अब हड्डियों में आ गई बात, हड्डियों में पढ़ो देते हड्डियों में पढ़ो 11 पढ़ो। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीव के नीचे छिपाए रखे और वह उसे बचाए रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबाए रखे। आप जीव से बोलो या ना बोलो, अपनी तालू के नीचे रखो, मगर यहाँ पे परमेश्वर एक ही बात चाहता है, अंगीकार करना कि अगर आप उसके विरोध में आपने जो भी बातें करी हैं उसको मान लेना, है ना। इस चीज को आप बहुत डीपली देखोगे जब आप वचन को पूरा पढ़ोगे, अपने लाइफ को इस वचन में लाओगे कि हमने प्रभु तेरे खिलाफ क्या क्या कार्य करे, किन किन बातों में हमने खाया पिया और हक दिया, है ना, किस किस को लूटा, किस किस को घसीटा, किस किस के साथ नजायज बातें करी। अब ये भाई है, आज इसको अपनी पत्नी के लिए भी कहीं ना कहीं तरस नहीं है, इतने सालों से दूर है, हैं? आज देखो कहीं ना कहीं ये परमेश्वर दिखाता है कि तुमने, मैंने तुम्हें मनुष्य को दिया प्रेम करने के लिए और तुमने उससे बैर कर लिया, उसी के साथ गेम खेल दी। आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसके साथ रहता था ना, वचन में लिखा है कि वो किस टाइम मिलने आता था, ठंडे में। ठंडे को अगर मैं चेक करूं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 4 से 5 के बीच में आता होगा भाई परमेश्वर। और आदम साहब कैसे हो बड़े? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बात कलाम बता रहा है, आदम साहब ने परमेश्वर को देखा है, यह हुआ परमेश्वर कैसा है। उसके बाद उसके जितने नबी आए किसी ने नहीं देखा, आवाज सुनी, पीठ देखी, है ना। एक ब्लेसिंग पर्सन था, वो साथ रहता था, उसकी संगति, कोई खेती बाड़ी नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, लॉर्ड से सिर्फ बात करना,
क्या करना, आज मनुष्य सारे काम करने को तैयार है, गधे की तरह मेहनत करने को तैयार है, 75 साल की उम्र में पूरी साफ सफाई आधा सुबह से लेके शाम हो जाता पूरा घर का काम करते करते, लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, क्यों बात करूं, काम भी तो करना है ना, ये करना है, घमंड ये शुभ से लाके रखो, अभी लिटा दिया ना बिस्तर पे नहीं, मैंने अपने बच्चों से भी बात करी थी, मेरे बेटे थे बिस्तर में लेटा हुआ था लॉकडाउन में, और डॉक्टर भी हाथ नहीं लगा रहे थे, ये तो प्रभु का धन्यवाद है, वीडियो कॉल पे डॉक्टर ने देख के दवाई लिख दी थी, ना तो उसे लैटरिन आ रही ना आ रहा पिशाब, ठीक है जी, पड़ा हुआ वो गेम में लगा रहा था फोन में, बेटा गेम खेलना क्या करेगा बच्चन बच्चन, अब प्रभु याद आ रहे हैं, जिस करके प्रार्थना करी प्रभु ने कर दो दिया, मैंने नहीं नहीं गेम खेल लेगा मेरे को, दुख पड़ा होता है ना ये चरपाई ऐसे नहीं कहा उसने, जब बिस्तर में लग जाता ना इंसान, मैं बड़ा खुश था तब आपको पर्दे आ रहे थे दरवाजा, ये बाबू जी बिस्तर पे वो मूत्र करके लेटे हुए थे, बर्फ भाई खटखटाया भाई आया, जैसे भी आया उठ के आराम से आया, भाई धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा धन्यवाद, मैंने देखा आप तो बोल रहे थे, अब तो पूछे कौन है क्या है लॉटरी थी, और वो भी लिया अपने पैर, इस भाई ने गेट, मैं इस बात से बड़ा खुश था कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जो रिव्यू की थी वो कहीं ना कहीं तो कम हुई है ना, उत्तरा भाई गेट खोला आपने, इन सारी चीजों में मैं अपने प्रभु को महिमा देता हूँ कि प्रभु आपको तुम्हारे लिए खोलता हूँ, मैंने अपने लिए देखा जो उसकी हरकत थी ना लास्ट टाइम, तो शायद उठ के भी वहां चला जाए, मैं वहां से देख रहा हूँ, वहां से लाइव मैच ये भाई उत्तर आ रहा है, ठीक है, आप कुछ चीजों को देखो, परमेश्वर के साथ चलना, उसकी बात को मानना, अपने जीवन से श्रापों को छुड़वाना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ये बहुत जरूरी है, आप क्या समझ रहे हो कहीं शराब खरीदने जाने पड़ती है, घिस करके बात करो उल्टी सीधी, मुंह से भौंको घिस करके चिपक गया वो, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटने से भी नहीं टूटेगा, टूट जाए, सत्य से कमर कस लो, और कौन से जूते पहन लो, ये तो मेल के कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बाटा के पहन लो, कुछ ना हो ना, अगर आपने परमेश्वर के मेल मिलाप के शूज नहीं डाले ना अपने जीवन में, तो एक कदम कभी भी नहीं, ये मेल मिलाप के लिए आए परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया, सुनो ये प्रभु के जो मेल मिलाप के जूते है ना, ये बता रहे हैं प्रदीप और रवि जो यहाँ पे 1:30 बजा रहे, ये उसकी दया है, ये उसके वचन को कहीं अपने जीवन में हम पूरा उतर देखते हैं, यहाँ प्रभु तूने लिखवाया है तो ये तीन आत्मा ये सेवा करके आया जी भाई, फिर यहाँ पे आए मेल मिला, नहीं नहीं ये तुम्हें दिखाने के लिए नहीं आए, तुम सोचो नहीं हम तुम्हारे लिए आए, नहीं हम अपने प्रभु की बात को पूरी करना, तुम्हारे लिए प्रभु से कामना करी थी कि प्रभु कुछ छुटकारा दे ताकि लोग इनको देख के कहे कि इनका परमेश्वर है, 11 दिन में चल गया ये, तो लोग यहाँ कह रहे हैं अरे ये तो चलने लगा, मैं भी यही बात अभी दौड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ देखना है, ठीक है जी, पढ़ना भाई प्रदीप भाई आगे, उसने जो धन तो भी उसका भोजन, अब सुन लो मुद्दा सुन लो, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा, वह उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा, उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उबल देगा, आगे परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा, जो भी कुछ खाया पिया जिसका लूटा घसूटा है, हैं या किसी भी तरीके से कमाया है बुरे कामों से, है ना, यहाँ परमेश्वर उस धन की बात कर रहा है जिसके द्वारा इंसान घमंड करता है, बुरी बातों के साथ जीवन जीता है, परमेश्वर उसके पेट से क्या करेगा, निकाल देगा, यहाँ लिखा हुआ है ईश्वर उसके पेट में से क्या करेगा, उसे निकाल देगा, ठीक है, और अगर आपके जीवन के अंदर इन सब बातों को जो आपके चाहे पति के टाइम की हो, चाहे आपके बेटे बहू के टाइम की हो, आज की हो, उस धन को देख लेना आप, अगर आज आपने रिपेंट करके निकाल दिया है, और वो कैसे निकालना है,
इसका भी प्रभु वचन बता रहा है, वचन संहिता 50 की ताली समझ रहे ना आप यहाँ से वचन। अब ये आपने गौरव भाई आप समझ रहे हो जो बोला है तो सुनाई दे रहा है, मुंह से बोलो 50। हाँ 50। अच्छा जी चलो जी प्रदीप भाई जी पढ़ो, तेज आवाज में पढ़ना बस से। हाँ पढ़ो 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 पूरा पढ़ना है। सच्ची आराधना क्या क्या करनी है? सच्ची आराधना गाने वाली कम आत्मा वाली ज्यादा। हालेलुया हालेलुया कहने वालों ये वाला नहीं, पहले आत्मा से सच्ची आराधना करनी है। सर्व हम सब ने अगर हमें अपने जीवन से शराबों को तोड़ना है सर्व क्या करना है? हम मांगो प्रभु से हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदय चल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया। किसको बुलाया? जो भी अपने आप को बोझ में परेशानियों में टेंशनों में पाते हैं श्रापों में पाते हैं बीमारियों में लाचारियों में पैरालाइज में है ना भाई गौरव भाई प्रभु आज आपको बुला रहा है। जाना चाहते हो उसकी नजदीकी में? आप जाना चाहते हो उसकी नजदीकी में? उसको बाद में पढ़ लेना आप, इधर सुन लो पढ़ने के लिए खुलवाया है ठीक है। अगर आप उसकी नजदीकी में आ गए आप समझ रहे बात आप भी है। एक तो सबसे पहले कम बोलना प्रभु की संगति में, अवसर मिले पूरा उड़ेल दो यीशु मसीह के लिए अपने अंदर जो भरा पड़ा है। और जब प्रभु कहता है स्टॉप तो स्टॉप, क्योंकि तुम चुप रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम बोलोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए चुप हो जाएगा। क्या चाहते हो? परमेश्वर चुप रहे तुम्हारे लिए है? पलटा लेना उसका काम है। जिस व्यक्ति ने इस प्रभु के कलाम को अपने जीवन में डाल लिया कि वो ईश्वरों का ईश्वर है राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है पलटा लेना उसका काम है तो गारंटेड वो अपने जीवन में प्रभु के उद्धार के काम को देखेगा। चाहे वो जमीन का हो चाहे वो पाताल का हो चाहे वो स्वर्ग का हो। जब बॉडी में लाओगे तो अंधेरे अंधेरे दिखेगा तुम्हें। बोल देना इंसान जुबान से। सबर बहुत बड़ी चीज है, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा बोलने में धीमा और कार्य करने में क्या कहा तत्पर तैयार रह और क्या कर संयम रख धैर्य रख। नहीं प्रभु ये महंगा मिलता है ये नहीं रख पाऊंगा, ये बहुत महंगा मिलता है पता आपको? हाँ जी संयम धीरज बड़ा महंगा है, दौलत घर वर्ग सब बिक जाएगा मिलेगा नहीं। हाँ ये फल तुम्हें मिल जाएंगे पूरी पड़े में। हर किसी का तो पता नहीं, प्रभु मुझे सिखा रहा बेटा तू सबर कर ले कलाम से, क्योंकि प्रभु किसी से और से तो बात कर नहीं रहा मुझसे तो बात कर रहा है। बोलने में धीमा सुनने में तत्पर करने में फुर्तीला रहे। पल्ले पड़ रही नहीं पल्ली समझ आ रहा बढ़िया से? अगर आशीष पानी है अगर वो किलकारी घर में आंजी खिलवानी है ना, ये किलकारी दादी अम्मा मान जाओ खिलवाना है, जल्दी अपनी आंखों से देखनी है गिफ्ट यीशु मसीह का, तो प्रभु के आगे बोलो मनुष्य के आगे चुप रहो ताकि तुम अपने प्रभु की महिमा को देख पाओ, लोगों को यीशु मसीह का करैक्टर अपने अंदर बॉडी से दिखा सको। जहाँ नहीं बोलना होता था यीशु मसीह वहां से कह देगा चुपचाप निकल जाता था, जाता था नहीं जाता था, वो किसी को बोल दे के नहीं आता था झूठ बोला, उसे लग रहा है कि यहाँ पे कहानी खराब हो रही है चलो, क्योंकि उसने अपने आप को मनुष्य भी दिखाया मैं मनुष्य भी हूँ ठीक है। आगे भाई पढ़ो 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 सुन लो पढ़ो भाई। सियोन से जो हमारा परम सियोन से जो परम सुंदर है और परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है हमारा परमेश्वर आएगा चुपचाप ना रहे। अरे नहीं नहीं चुपचाप रहेगा ये लिखा है देखो ढंग से पढ़ो हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। हाँ गौरव भाई कौन आएगा बोलो? मेरा परमेश्वर आएगा
चुपचाप ना रहेगा, क्या नहीं रहेगा मेरे लिए, मेरे लिए और बात को पूरा करेगा। आगे पढ़ो जी, उसके आगे आगे बढ़ती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हाँ जी, और तो तेज और वॉलेंटियर न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। प्रदीप रवि और अजय का एक ही मुद्दा है कि प्रभु ये तेरे भक्त हैं, तेरे लोग हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं। आज रात को 1:05 हो गया है प्रभु, हम तेरे से ही है सब कुछ लेना चाहते हैं, छुटकारा तुझी से लेना चाहते हैं। ऑपरेशन तेरे द्वारा गौरव को होना चाहिए, तेरे द्वारा छुटकारा उसी का हो, तेरे नाम से वो चंगा हो, तेरे नाम से क्या हो सारी भरपूरी मिले, तेरा पवित्र आत्मा हम पे काम करे। हाँ, किससे चाहते हम? अपने प्रभु परमेश्वर से। प्रभु तेरे नाम से मेरे बहू के बेटा या बेटी जो तू देना चाहे वो हो, है ना। छुटकारा हम किससे चाहते हैं? अपने परमेश्वर से। ये रात का समय, ये रात्रि का समय, परमेश्वर कहता है तुम्हारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर ना तो वो सोता है और ना ऊँगता है, निरंतर उसकी दृष्टि हम सब पे लगी रहती है। हालेलुया। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझे मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। कौन करेगा? हमें ज्यादा कोई धार्मिकता दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर दिस करने वाला है। यीशु मसीह की गवाही किसने दी? स्वर्ग में परमेश्वर, ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्न है। पहले तो प्रसन्न करा हमने, सुनवाई तो बाद में हुई है, जो मैं बता रहा हूँ। एक ही बार में अपना खून चढ़ा के वो तो हो गया। परमेश्वर अगर बात करी है, आकाशवाणी से बात हुई है, तो वहां आई है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। जब प्रसन्न होता है तो पवित्र आत्मा दिया है, क्या दिया उसको? पहला गिफ्ट दिया। जब आज हम अपने प्रभु परमेश्वर को खुश करेंगे तो वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देगा, ताकि हम ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, स्ट्रेट चलते रहे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि हम किसी गलत प्रसंग के पास नहीं जाएंगे, गलत संगति में नहीं जाएंगे, गलत भक्ति नहीं करेंगे। ये साइन है यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर पिता ने क्या करा? डिक्लेयर करा। और जब प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रशंसा में चला, है ना, जो उसकी तारीफ मिली कि वो उससे खुश था, तो आगे वचन बताता है कि क्या मिला उसको? ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या करो? उसकी सुनो। सुनने के लिए कहा हमने, बोलने के लिए कहा है? पहले खुश करा। जब हम खुश करेंगे ना, आज जितने हमारे नहीं सुन रहे, तुम्हारे नहीं सुन रहे, फिर वो तुम्हारी सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को बहुतों ने सुना, और जितनों ने सुना उनका कल्याण हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है, मैं भी गवाह हूं, मैंने सुना मेरा कल्याण हो गया। मैंने भी सुना मेरा भी कल्याण। अधूरा है अभी, पूरा करवाओ उसको, पूरा करवाओ, पूरा करवाओ। वो जो अभी गिफ्ट मांग रहे थे प्रार्थना में, हाँ नहीं वो अच्छा, वो करेगा, वो तैयार है, अभी भी डिस्क करके देने वाला है, हम लेने वाले नहीं है। हो गया। वो कैसे? सुनने से, चाहे वचन से सुनो या घर परिवार के लोगों से, कि तुम चुपचाप रहो तो परमेश्वर तुम्हारी ओर से बोलेगा। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, सबसे पहले मेरे लिए है। मैं फिर कहता हूँ, मैं थोड़ा सुनने वाला बनूं और चुप रहूं, ताकि मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करे, ताकि मेरे द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह चाहे तो अकेले पत्थरों से अपनी महिमा करा ले, मगर वो क्या कहता है? मनुष्य को मैंने किस लिए बनाया? कि वो मेरी महिमा करे। और वो हम करना नहीं चाहते, करवाना भी नहीं चाहते, ना तो हम खुद करना चाहते हैं और ना करवाना चाहते हैं कि चलो मैं नहीं कर रहा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा भाई, मेरा बेटा ही महिमा करे। आप पकड़ के पहले बैठ प्रभु के पास, समझ रहे पा? मेरी प्रजा
सुन, मैं बोलता हूँ कि हे इज़राइल, मैं तेरे विषय में साक्ष्य देता हूँ, परमेश्वर तेरा मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलि और दोष बलि नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ाते हैं मैं ना तो तेरे घर से। अब मुद्दे की बात आ गई है, क्या आ गई है? परमेश्वर क्या कह रहा है? ना तो मैं तेरे घर से 50 दिखा दो, 50 बैल लूंगा, बैल लूंगा ना पशु, है ना, ना तो मैं तेरे घर से बैल लूंगा, प्रतिमा पढ़ो, हाँ नौ से पढ़ो, स्पीड में पढ़ना फास्ट। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशु सारा से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजार पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं, पहाड़ों के सब पक्षी मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो एक मिनट मांगता। आपने उस दिन लास्ट में बताया जो आपके हस्बैंड थे, है ना, कहीं ना कहीं वो इन्हीं सब चक्करों में लगे रहते थे, है? परमेश्वर को आपका सच्चा बलिदान चाहिए, उसका डिपेंड करना उन सब बातों। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर है ना, वो आने वाली पीढ़ी का ही परमेश्वर जो हमने नहीं देखे। आपको समझ आ रही है? और भाई अपने पापों के लिए रिपेंट करना, आपके पापा ने जो कर्म कांड करे उनके लिए भी माफी मांगना, क्योंकि सब कुछ उसका है ना। अब वो आगे क्या बता रहा है सुनो, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं, परमेश्वर का धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हाँ एक मिनट, आपको मैंने क्या कहा कि आज आपके पास मौका है, प्रभु का कलाम आया, आप श्राप खुलवा सकते हो यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? सिर्फ धन्यवाद का परमेश्वर को क्या कर, बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या करे? अपनी मन्नतें परम प्रधान परमेश्वर के लिए। हाँ प्रभु तेरे गवाह बन के जी, अच्छा करैक्टर है हमारा, अच्छा करैक्टर हो, अच्छा जीवन हो, घर में आशीष हो, बच्चे हो, लड़ना चंगा हो जाए, इसके बच्चे वापसी आ जाए, हमारी मन्नतें क्या करें, अपने परमेश्वर के लिए पूरी करें, ताकि लोग हमें देख के बोले इनका परमेश्वर महान है, हैं? इनका परमेश्वर धन्यवाद का परमेश्वर है, वो भेड़ बकरे मांस लहू से कोई वास्ता नहीं है, रिश्वत खोर घूसखोर नहीं है, वो धन्यवाद का परमेश्वर है ना। धन्यवाद की बलि भेंट चढ़ाने वाला मनुष्य परमेश्वर को भाता है। हर दिन क्या करें हम, अपनी मन्नतें यीशु मसीह के नाम से पूरी करें, उसको धन्यवाद चढ़ाएं कि प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, जो हमने आज यीशु मसीह तेरी दया से पाया है। इस नींद को यीशु मसीह के नाम से कट आउट करो, ठीक है, बस चल रहे। और संकट के दिन मुझे पुकार, कौन से दिन पुकारना है? संकट के दिन। हाँ जी भाई, कौन से दिन पुकारना है? संकट के दिन। आज परेशानी में हो ना, पुकारा करो प्रभु, वो छुड़ाएगा, उसका वायदा है। ये वचन कह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू क्या करने पाएगा, वो छुड़ा के फालतू में नहीं छोड़ देगा। ये छूटे हुए भाई साहब सेकंड लाइफ मिला हुआ है, ये छूटा हुआ है दूसरा जीवन मिला हुआ है, मैं छूटा हुआ हूँ मुझे दूसरे में। हम क्या कर रहे हैं रात को 1:30 बजे उसकी, या कुछ अपनी कोई गाना है कथा सुना रहे हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह की कथा कहानी सत्य करुणा प्रेम आनंद चंगाई और लाइफ घुसा हुआ है उसका, इसीलिए हम उसकी महिमा कर रहे हैं, ताकि तुम लोग भी जब संकट से छुड़ाए जाओ तो परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया आमीन। आगे परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? हाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन से क्या काम। दुष्ट भी परमेश्वर के कार्य को बताता है, मगर यीशु मसीह चिढ़ता है उनसे कि तू मेरी क्यों तारीफ कर रहा है, तू मेरी वाचा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, सिर्फ परमेश्वर हम लोगों से अपनी महिमा चाहता है ना, हम लोगों से अपनी चर्चा चाहता है। क्या चाहता है भाई? यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, अपनी चर्चा को चाहता है। आगे प्रदीप पढ़ना 17 यार, तू तो शिक्षा से बैर रखता है और मेरे वचन को तुझ जानता है। यही है, आज दुष्ट भी यही करता है और जो उसके विश्वास करने वाले यीशु मसीह के वो भी कहीं ना कहीं दुष्ट के कामों को क्या करते हैं, सुनो, दुष्ट के कामों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं,
बैर करते हैं, उसकी शिक्षा से बैर करते हैं, है ना, और उसके वचन को क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रदीप और रवि और अजय ने परमेश्वर के वचन के द्वारा बड़े बड़े कार्य देखे, इसी वचन से खुदा बाप ने चंगा कराया, क्योंकि हम उसके वचन को तुच्छ नहीं जानते, उसका वचन बहुत सामर्थ्य है। आगे अपना मुंह प्रदीप, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्री गमन गमियों के साथ आगे हुआ। आगे पढ़ता रहा, तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है, अपने संगियों की चुगली खाता है, अपने सगे भाई की चुगली खाता है, सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए तू समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान। हाँ, ये सब इंसान करता है काम, तो वो क्या सोचता है कि परमेश्वर कुछ नहीं है, सब मेरे समान है, वो भी सेम। मगर खुदा का कलाम आगे क्या कह रहा है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, क्या करूंगा, आज प्रभु समझा रहा आपको वचन से, जो कर्म कांड के रिपेंट करके नए हो जाओ, क्योंकि मैं आज तुम्हें आशीष देने पर, समझ रहे हो, आपके मन के नए जाने से आपका चाल चलन भी बदलता चला जाएगा, है ना, और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। जैसे भी मैंने कहा, मैं प्रभु का कहा हूँ, प्रभु हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करें, प्रभु हमारे द्वारा भी करें, हमारे लिए भी करें, है ना। हे ईश्वर को बोलने वालों, ये भली बात ही समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फाड़ डाले और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, क्या करता है, आज जो परमेश्वर का सच्चा धन्यवाद करता है ना, वो उसके बलिदान को एक्सेप्ट करता है, कि हम क्या करें, परमेश्वर के धन्यवाद को क्या करें, महिमा के साथ उसका धन्यवाद करें। और जो कुछ और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, क्या रखता है, इस बॉडी से पाप नहीं करता, है ना, अपने करेक्टर को अच्छा रखता है, उसको परमेश्वर की ओर धार दिखाऊंगा। ये ध्यान रखना, यही है करेक्टर खराब करने का मतलब, ये नहीं होता कि अपने लौंडिया छेड़ लिया, लौंडा छेड़ लिया, हमारे बोलने से भी करेक्टर खराब होता है, कहते हैं ये अधिक बोलता है, ये श्रापित है, दुष्ट घुसावा इसके, बुरी बातें बोलने से बुरी अच्छी बातें भी चुप जाती हैं, कुछ भी अच्छा है। देखो बाइबल में साफ लिखा है, समुद्र तक में अधिक पढ़ना भी देखो थकाता है, ये बुरी बात है क्या, बाइबल पढ़ना बुरी बात है क्या, मगर खुदा कलाम और अच्छी अच्छी पुस्तकें भी हैं, हर चीज परमेश्वर अपने समय पे अपने सिस्टम से पूरा करता है। मैं प्रदीप भाई से भी कहता हूँ कि आप कोई चीजें मैच करा करो, अभी बहुत वंडरफुल गवाही आई है, जब हम मेट्रो में आ रहे थे तो मैंने उसको एक आमंत, तूने कुछ मैच करा अपनी बुलाहट में अपने काम में, तो हंस हंस के ना मेरे को कहता है, अरे भाई तुमने तो तुम्हें रखा तो है खुदा ने मैच करने के लिए, मैंने ये प्रभु का अनुग्रह प्रदीप, मगर फिर भी हम प्रभु को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, है ना। आज इसे ही कह रहा हूँ मैं, ये राशन पानी इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन इम्पोर्टेंट है, हम से रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वाले वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। अरे उसको छोड़ दो, बहुत लिया तो पड़ोसी को दे देना, उसको छोड़ दो बहुत है, कम की बात नहीं होती। परमेश्वर के साथ जब इंसान संबंध रखता है ना, ध्यान रखना जो आप कह रहे हो ना, मैंने प्रभु, हाँ ये प्रतिफल है आपका, प्रभु ने सेहत में दिया भी, जो आप प्रभु दे रहा है मेरे को, जो प्रभु में आप करते हो तो परमेश्वर किसी का उधार नहीं रहता, वो ऐसे किसी ना किसी आत्मा को तैयार करेगा डिस करके, चलो पहुंचो। सही कह रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए कभी आपसे दिल्ली वाला नहीं होना, मगर प्रभु के नाम से मैंने खुशी खुशी उठाया, बाहर से पैदल आया मतलब, नहीं उसका अनुग्रह है ये, कोई ये ना समझे, कोई घमंड ना करे, ये उसके लिए करता है, प्रभु के लिए, वो यीशु मसीह फोटो वाला लगा रखा है, वो मेरा यीशु मसीह है, इसके लिए जितना उठा रहा हूँ ना उससे कहीं भर के देगा मेरे को, वही है क्योंकि मैं लालची हूँ, मैं यीशु मसीह में लालची हूँ, नहीं मेरे को तो यहाँ भी देगा, मेरे को इतना विश्वास है खुदा जमीन पे भी देगा, जमीन पे उसके गवाह बन के जीने, वहां तो सब देख लेंगे, जमीन पे नहीं देख पाता कोई भोले वाला, कोई माते वाला, कोई ये वाला, बजरंग बली वाला, कोई साईं बाबा, कोई यीशु मसीह, कोई अल्लाह, कोई गुरु नानक वाला भी है, मैं अपने यीशु मसीह को यही दिखाना चाहता हूँ, देखो मेरा प्रभु मेरे लिए यहाँ भी तैयार है, और स्वर्ग उसका तो सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पैर की
चौकी है, उसके चरणों में रहकर मैं देखना भी चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ लाइव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ जी बोलिए। हाँ ये प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आप इस वचन से क्या सीख पाए एक बता दो, बहुत बहुत तो बहुत सीख लाओ किसी भी व्यक्ति, तुमने जो सीखा वो बताओ। ये सीखा है वो तो लिखा हुआ वहां पे, अपने पापों का पश्चाताप करके उसके धन्यवाद की बलि भेंट चढ़ाना स्टार्ट कर दो, ये है इसका कलाम का। और आप क्या सीखे थी? हमें अपनी जुबान से कम बोलना है, वचन से सुनना है, उस पे चलना है, उसकी विधि नियमों पे मानना है। जो परमेश्वर से परमेश्वर ने हमें आप क्या करेगा कुछ स्वीकार करना है, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है कि अपने करेक्टर को अच्छा रखना है ताकि तुम अपने परमेश्वर को बाहर के काम करो। आपको परमेश्वर बाहर दिखाएगा जिन बातों की लालसा, आप यहाँ से ना यहाँ से कम और यहाँ से भर जाओ प्रभु। धर्मीजन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, ध्यान रखना मैं आपके लिए लालसा रखता हूँ, ये मेरा प्रभु जानता है, मैं मुझे की बात नहीं करता, मैं रियली कह रहा हूँ नहीं कुछ ही है प्रभु के लिए आ गए, प्रभु 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 हर एक की बात विषय में जानता है, ये चुनाव पुता हुआ वो यीशु मसीह वही बताएगा जब मैं वहाँ तो कैसे। अरे सुन लो नहीं 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 ये बहुत फर्रे बढ़ते हैं ना सब चुने हुए पुते हुए, सुनो ये सब वही, अगर मैं चुना हुआ कहता हूँ ना अपने आप को तो मेरे काम मुझे स्वर्ग में ले आएंगे और फिर मेरे को चुने हुए से मिलवाएंगे, बाइबल चुने हुए से मिलवाती है। और उसको किससे मिलवाया? अनन्या को मिलवाया, चुने हुए थे दोनों, चुने हुए पुते हुए दोनों मिले तब जाके काम हुआ है, ना वो चुना हुआ प्रार्थना करता ना वो पुतावा देख पाता पॉलुस, फिर दोनों चुने हुए हुए। अनन्या साहब को तो डर कह रहा प्रभु काम इधर तेले का पकड़ के, फिर लोगों को तो वैसे ही मारता है वो, तू और सुतवाने के लिए भेजते मेरे को, जा बेटा तू जा। उन्हें खुदा की लॉर्ड की बात सुनी, वहां गया और वहां पॉलुस साहब भी लौट गए, इंतजार कर रहे आएगा कोई अंधापन खोलने के लिए, डिस करके प्रार्थना करी ये वचन दिया आपको अंधपन खोलने के, आज रिपेंट करो दोनों माँ बेटे, हमारे जाने के बाद खुदा से बोलना, अरे आज अब वो करा होगा बहुत, आज नया करना वो पुराने वाली जो है ना मस्के है ना उसे वहाँ पे थोड़ा वाले उस वाले में टॉयलेट में रास्ता दिखाना, नई वाली लेकर आना उसके चरणों में कलाम के साथ, दोनों माँ बेटे भर लेना उन मस्कों को, फिर देखना उसके नए दाखरस कैसे मुड़कों मड़ के तुम्हें स्वाद देगा। ठीक है, धन्यवाद करता हूँ कलाम के लिए, करुणा से हर बीमारी से हर दुख से हर तकलीफ इस वचन से आप सबको चंगा, 8 महीने के मर से मैंने दे रखा खुदा के आगे डाल रखा, अब ये बचरा है, ये बचरा है, ये बचरा है, यीशु मसीह रिपेयर नहीं करता, ये बचरा है, बचरा है, ये बचरा है, ऐसे महीने की उम्र से मैंने, आप आज आप ये अंगीकार करना बचना था ना छोड़ प्रभु, या कर नमस्ते या ओके कर बात खत्म, ये विक्रम बेताल वाली स्टोरी मत चलाओ, सीधा बोलना खुदा को 80 की तो को 11 कर, ये इसको ओके कर, मैं नहीं ऐसे कवर में नहीं जाऊंगी, तेरा गवाह बन के जाना चाहती हूं मैं, तो ये कहती हूं, मैं तो ये कहती बेबी से, बेबी कहीं ना कहीं अरे वो नहीं, आज बोलना आज प्रभु को, ये भाई विश्वास से आया ना, विश्वास की आत्मा से भरकर आया है और उसका नाम है यीशु मसीह, मैं भी उसी आत्मा से भरकर आया हूँ जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम है, अरे आप सुनो आज रात बोलना प्रभु, सुबह 4 बजे जब भी उठो दोनों एक मन हो जाना, यीशु मसीह तू ही जम का जमूर है, बाकी सब घास कूड़ा है, तेरे पास आई मुझ पे दया कर जो अब तक नहीं, अरे एक बार नहीं हमेशा के लिए ठीक कर दे, एक बार तो तुम तो मौलवी तांत्रिक वाली बातें कर रहे हो, मेरे केवल काटने से 7 दिन के अंदर आराम वाला नहीं, डन यीशु मसीह डन कर दे, जैसे बालों में थी वो वहां पर पहुंचो लौंडियाबाजी में पड़ गए थे बाबा जी, बाद में सारी लग गई थी उनकी पावर, किसी बात कर रहा है, गौरव भाई को ऐसी बात चाहिए,
जुमले से खाते हो। खुदा कल आप बताता है सारी पावर बालों में थी बाबूजी की, लड़कियों में लगा थी। हाँ सुलेमान साहब भी चले गए तो वो नहीं, प्रभु का अनुग्रह मांगो कि उसका हमारा चरित्र उत्तम रहे परमेश्वर का। यीशु मसीह के नाम से तुम चलने के बाद ठीक है आप प्रभु के साथ। देखो मैं परमेश्वर आपके साथ है, तभी मैं सही कर रहा हूँ, मुझे वचन पढ़ने में चश्मा लगा अभी, मगर मैं देख रहा हूँ प्रभु का अनुग्रह उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने। और उस कहता अब जो मुझ पर अनुग्रह हुआ है ना मैं व्यर्थ नहीं जाने। धन्यवाद अजय भाई।